2014 और 2019 में आपने मात दी थी आम आदमी पार्टी को, 2014 में दी थी और 2019 में आपने शीला दीक्षित को मात दी थी, अब इस बार 2024 को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? देखिए, हम लोग तो 5 साल तैयारी करते हैं और हमारी तैयारी का जो आदर्श वाक्य है वो है नरेंद्र मोदी नीति, मोदी भाव, मोदी शैली, और वो ये है कि हमें फर्स्ट डे से लोगों की समस्याएं दूर करनी है, उनकी जरूरत की चीज़ों को मुहैया कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, कंजेशन को दूर करना है, और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उसको बातचीत करते हुए सुलझाना है। तो ये सब काम हम लोग करते ही रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी तो खैर चुनाव में 1.25 साल बाकी है, हम लोग समय से लोगों को याद दिलाएंगे कि आप सपोर्ट करते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन इस बार विशेष सपोर्ट चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 प्लस सीटों से प्रधानमंत्री बनाया जाए। सर, आपको लगता है कि अगर बजट की बात करते हैं, दिल्ली में बजट भी आना, और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की बात कर ले और मनीष सिसोदिया की बात कर ले, दोनों अब जेल में जा रहे हैं और दोनों पे कार्रवाई की जा रही है, तो बजट प्रभावित होगा क्योंकि दिल्ली में 33 विभाग है, उसमें से 18 जो है सिसोदिया के पास थे, हालांकि वो वापस ले ली गए। देखिए, भ्रष्टाचारी लोग क्या बजट देंगे, जो 170 फोन 6 महीना में खरीद के दूसरे नाम से और भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहता हो, उसको बाद में नष्ट करता हो, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जो शराब व्यापारी को 2% मिलने वाले कमीशन को 12% करके और राज्य सरकार को मिलने वाले 12% कमीशन को 1.5% कर दे, वो क्या बजट देगा दिल्ली को? सर, वो कह रहे हैं कि एलजी की तरफ से मंजूरी मिली थी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये आज बोल रहे हैं ना, जब ये जेल के मुहाने पे चले गए, जब गिरफ्तार हो गए, कल तक तो ये अपनी पॉलिसी को दुनिया की बेस्ट पॉलिसी बताते थे। तो ये इनका कोई अपना उसूल और धर्म ईमान नहीं है, ये हर वो काम करते हैं जिसमें लूटा जा सके और विज्ञापन दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ विज्ञापनों में सरकार नहीं चल सकती। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास 5 से कम मंत्रालय हो। आप क्यों ऐसे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जहां मंत्रालय ही नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि आपको साइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साइन करते ही आप फंस जाएंगे। तो सर, आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड केजरीवाल है पीछे? 100% अरविंद केजरीवाल जी का मास्टरमाइंड इसी में दिखता है कि भ्रष्टाचार करवाना है लेकिन पेपर पे अपना साइन नहीं करना है, जरूरत पड़ने पे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भुगतेंगे। तो आप देखिए, हमारे यहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी में कोई दोषी हुआ तो 5 दिन के अंदर मंत्रालय से हटाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 6-6 महीना जेल में रहने के बावजूद भी उसको पता नहीं कौन रिश्तेदार की तरह रखते हैं। ये बताता है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा सर, कल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अब जो आम आदमी पार्टी है वो डोर टू डोर कैंपेन करेगी और नुक्कड़ नाटक करेगी, तो जो छवि पर असर पड़ा है कि आम आदमी पार्टी उसको कवर अप कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली एमसीडी की बात कर ले वहां पर वो जीत गई है और शिक्षा नीति का वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई यही वजह है जो बीजेपी डर गई है। देखिए, अब कुछ कहने को नहीं बचा है अरविंद के पास। अब अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली को पता चल गई है और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के नाटक का अंत कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो है मनोज तिवारी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि केजरीवाल डर गए, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में 2024 की बात करें, मनोज तिवारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत वहां पर परचम लहराएगा, लेकिन केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात है। कैमरामैन रिंकू के साथ शाहबाज खान, खबर फास्ट के लिए।